मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा और यूपी सरकार के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही तेवरों के साथ एक बार फिर उन्होंने भाजपा और यूपी सरकार को घेरा है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जनता में अगर आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। और लगातार देख रहे हैं अगर ये आजम खान पास से लेकर और अभी कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी और इससे पहले भी या विधायक क्या कर रहे हैं या पूर्व विधायक पे लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने उनके पास जाते वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आप जो हम बसाए, तो जब सरकार खुद बसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। निवेश के नाम पर छोटे सपने दिखा रहे हैं, इससे पूछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो MOU हुए थे उसमें जमीन पर कितना आया है, उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है, और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने MOU साइन किया और जमीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे? सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, इससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल है, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप, बेरोजगारी आपने क्या खत्म की, आपके मेडिकल कॉलेज बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद है, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल न्याय सबसे ज्यादा है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से काम करती है, उससे जो बुनियादी मसले उन पे बहस ही नहीं करनी, बेरोजगारी पे बहस नहीं करनी, महंगाई पे बहस नहीं करनी, हमारी जो सीमाएं असुरक्षित है उस पे बहस नहीं करनी है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है, कुछ चैनल उस एजेंडा का सपोर्ट करते हैं।